मेरा नाम रजा, आप ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस जिसमें हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब हर एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो आज हम पॉलिटिकल साइंस बेसिक लेवल से पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जीरो से लेकर अंतिम तक पॉलिटिकल साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जिसको न रटन विद्या नहीं, उसको सिर्फ समझा जाता है। तो हम पॉलिटिकल साइंस का आज की क्लास सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस जो ढांचा है उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी है उसका सिलेबस की बात करेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम भारत का मतलब भारत के संविधान से बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत का संविधान आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे भारत का संविधान कब कैसे कितने वर्षों में लागू हुआ। हमारा संविधान ऐसे तैयार नहीं हुआ, कई महापुरुषों के बलिदान से, बहुत सारे महापुरुषों से बलिदान से तैयार हुआ है, ठीक है। तो हम उसके में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। वैसे तो अगर संविधान मतलब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस बहुत लंबा है, वहां से नहीं हमें बेसिक लेवल पढ़ना है कि होता क्या है पॉलिटिकल साइंस में, मतलब हमारा संविधान में है क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत का संविधान। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले सभा, संविधान सभा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे संविधान सभा, उसके बाद उसकी प्रकृति कि संविधान तैयार हुआ कैसे, उसकी मतलब ढांचा प्रकृति, और उसके बाद पढ़ेंगे उसकी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, सबसे मोस्ट इसको हम बोलेंगे PIL, और न्यायिक समीक्षा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारत का जो भारत का शासन भारत का शासन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान तैयार कैसे हुआ, संविधान को बनने में कितना समय लगा, और संविधान की जो प्रस्तावना क्या है, इसके मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से, जनहित याचिका, भारत का शासन, आपात, उसके बाद कल्याणकारी, और उसके बाद तो राज्य की शासन व्यवस्था देती है, राज्य की शासन व्यवस्था कुल मिला के बोलते भारत का मतलब। तो हमने पढ़ा कि संविधान सभा, अब तो ये हो गया, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक दो आर्टिकल, ठीक है। भारतीय संविधान में मतलब दो आर्टिकल आते हैं, एक आता 1919 का अधिनियम और एक आता 1935 का अधिनियम। इनसे पहले एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बारे में भी इसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो ये है भारत के संविधान में जो निर्माण, संविधान के निर्माण की बात की गई, ये है संविधान के निर्माण, ठीक है। और अब ठीक है, और अब बात करें ये राज्य, मैंने बोला था ना प्रकृति, ठीक है, ये होगी भारत की संविधान की प्रकृति। अब यहां बोला राज्य की शासन व्यवस्था है, उसमें पढ़ेंगे हम राज्य की प्रकृति वगैरह, इसमें सब आ गया, ठीक है। और फिर आता है, इसके बाद आता है लोकतंत्र, फिर आता है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र,
कि भारत में लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ लोकतंत्र। फिर राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन, पुनर्गठन की बात की गई। फिर गठबंधन सरकारें, राजनीतिक जो दल थे, राजनीतिक दल, राजनीतिक जो दल थे, राष्ट्रीय एकता थी, ठीक है, और राज्य की संघ और राज्य की कार्यकारिणी समिति, संघ और राज्य विधानमंडल और न्यायपालिका, ये थी पॉलिटिकल साइंस का मेन ढांचा। इसके बाद राज्य वो पंचायती राज वगैरह वो इसके बाद का है। तो सबसे पहले बात करें कि राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र और राज्यों के पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, और इनसे पहले होगा हमारा ये संविधान। संविधान एक बगैर संविधान के हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही नहीं सकते। बगैर संविधान ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस बहुत प्रकार की है, पर जो आम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो, ठीक है। तो उसके बाद बात करें, अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद करते हैं अब ये कंप्लीट, ये हमारा संविधान की बात। अब इस संविधान में जो आर्टिकल है, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल है। तो सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति, हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे संसद, ठीक है। संसद को पढ़ने से पहले हम अगर अच्छी तरीके से पढ़े तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को कौन में पढ़ेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति में बात कही गई है वो राज्य जो उपराष्ट्रपति में भी बात कही गई है, ठीक है। और उसके बाद संसद, फिर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फिर चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है महालेखा परीक्षक को। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है राष्ट्रपति, संसद, वैसे तो हम सब आर्टिकल पढ़ेंगे पर मेन इनकी बात कही गई है, ठीक है। सार्वजनिक नीति के अधिकार, कल्याण का राज्य के रूप में सार्वजनिक नीति, विभिन्न अधिकार एवं नागरिक चार्टर, ठीक है। ये थी पॉलिटिकल, मतलब इंडियन पॉलिटी, भारत इंडियन पॉलिटी के अंदर की बात, सिलेबस की बात, ठीक है। और बात करें तो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये थी भारत की, ठीक है। इसके बाद आ गया राजस्थान, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की जो शासन व्यवस्था है उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना, ठीक है, धन्यवाद। और आप पॉलिटिकल साइंस को आपको इतना ऐसे समझना है कि याद हो जाए, मतलब रटन विद्या नहीं, बिल्कुल रटन विद्या नहीं, इसको मतलब समझना, घोट कर पी जाना है, बस यही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट कल से हम यही सिलेबस की शुरुआत जीरो लेवल से करेंगे, यही सिलेबस रहेगा, ठीक है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। धन्यवाद।